आजकल तुम एकदम वेले हो। क्या बात है, दोनों लड़कियां कुछ ज्यादा ही समझदार है ना वो माइंड। एक काम करो, आज दोनों साथ में मत बोलो। मैं साथ में कहाँ बोल रही हूँ, मैं अलग बोल रही हूँ, ये अलग बोल रही है। अरे हाँ हाँ यार, तुम दोनों अलग अलग बोल रही हो, अच्छी बात है, मगर सुनाई तो मुझे एक साथ दे रहा है ना यार। तो इसमें मेरी क्या गलती? गलती ना तुम्हारे कानों की है। अगर तुम्हें अलग अलग सुनना है तो दोनों कान से अलग अलग सुन लो। एक मिनट, देखो मिंकी, ये मेरे साथ छानपट्टी मत करना, ओके? मैं चिंकी हूँ, ये मिंकी है। अरे हाँ, तो मैं तुम ही से कह रहा हूँ मिंकी, प्लीज। अरे बोला ना, मैं चिंकी हूँ, ये मिंकी है। अरे यार, कसम से इतना कंफ्यूज तो खिचड़ी की हंसा ने नहीं किया जितना ये दोनों कर देती हैं यार। दो काए, मैं तो एक ही हूँ। देखो वैसे मैंने सब टीवी पे तुम्हारा शो देखा है, हीरो गायब मोड ऑन, वहां भी तो दोनों अलग अलग बोलती हो, यहाँ पर नहीं बोल सकती? मैं तो बोल सकती हूँ, इसका पता नहीं। ओहो मनीष, तुम तो सीरियस ही हो गए। मैं यहाँ तुम्हें कंफ्यूज करने नहीं आई हूँ, मैं तो यहाँ अपने फेवरेट टीवी स्टार से बात करने आई हूँ। फेवरेट टीवी स्टार? वैसे कौन है तुम्हारा फेवरेट स्टार? जेठालाल, जस्सी, प्रज्ञा, प्रीता, प्रेम, प्रेरणा, एसी, प्रतिमा, नंगूरी भाभी, संध्या राठी, सूरज राठी, बबीता जी, बाबू जी, सपना, बच्चा यादव और हाँ, कार्तिक और नायरा। ए, मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारे पापा का हाईवे पे ढाबा है क्या? नहीं तो नहीं क्यों? अरे इसलिए, क्योंकि इतनी स्पीड में तो ढाबे का वेटर ही बोलता है ना अपना मेन्यू, इतनी तेज बोल रहे हो, क्या बात है, क्या स्पीड है लड़कियों की, वेरी नाइस। लेकिन नहीं, मुझे एक ही बात का थोड़ा दुख है। दुख ये कि तुमने 40 नाम लिए। नहीं 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 नहीं, 42। ओके, तुम लोगों ने 42 नाम लिए, लेकिन मेरा नाम नहीं लिया, मैं तुम्हारा फेवरेट नहीं हूँ। अरे तुम मेरे फेवरेट थोड़ी हो, तुम तो मेरा क्रश हो। मरवाई की पगली। अच्छा चलो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, शो के बाद कोई चाय कॉफी डेट। हाँ, मैं ऐसे ही किसी का डेट पे नहीं जाती हूँ। अरे यार, अभी तो तुमने बोला था मैं तुम्हारा क्रश हूँ। मैंने थोड़ी बोला, इसने बोला। ये मतलब एक मिनट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लड़के ना बहुत कंफ्यूज करे, इसीलिए मैंने तुम्हें सीरियसली नहीं लिया था। तुम लड़के भी ना अजीब ही होते हो, वैसे तो लड़कियों के पीछे पड़े रहते हो, लेकिन जब लड़की सामने से कहती है तुम उसके क्रश हो तो उसे सीरियस नहीं लेते। एक मिनट, मैं तुम्हें बता दूं, मुझे सीरियसली लेना इस इंडस्ट्री में, मैं बहुत पुराना खिलाड़ी हूँ। या हाँ, बाहर ही कोई कह रहा था कि तुम काफी पुराने हो चुके हो, इसलिए इस इंडस्ट्री को नए एंकर्स की तलाश है। कौन बोला ये? शशि रंजन जी ने। लेकिन मैंने तो कह दिया, आप टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट टाइम से मैं होस्ट कर लूंगी। मैं होस्ट कर लूंगी। नहीं देखो चिंकी मिंकी, क्या है ना, ये इंस्टाग्राम नहीं है जहाँ पे वो 3-3 सेकंड 5-5 सेकंड के बूम रैंक्स बनते हैं, ये ITA है, यहाँ पे 3 घंटे के लिए नॉन स्टॉप बोलना पड़ता है। क्या है तुम में इतना टैलेंट? देखो मनीष, जब ग्लैमर से काम चल रहा हो तो फिर टैलेंट की क्या जरूरत। यार अगर दोनों स्कैम सीरीज में होती ना, मुझे लगता है हर्षद मेहता खुद ही कह देता मैं तारक मेहता बनने को तैयार हूँ, प्लीज मेरा पीछा छुड़वा दो इन दोनों से। लेकिन मैं इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ, शो के बाद मेरे साथ डेट पे चलोगे? एक्सक्यूज मी, मैं बिल्कुल नहीं चलूंगा, क्योंकि अगर मैंने हाँ कह दिया तुम कहोगे नहीं मैंने नहीं कहा था, इसने कहा था। आई डोंट टेक इट सीरियसली। इस बार तो दोनों ने कहा था, लेकिन शायद तुम्हारी किस्मत ही खराब है, दोनों के साथ डेट पे जाने का मौका मिस कर दिया। पुअर चैंप, ओके बाय। नहीं नहीं, मतलब मैं चल सकता हूँ, नहीं मेरी बात नहीं सुन रही चिंकी। नहीं, अरे कौन सी, अरे